निगम की सामान्य बोध की बैठक थी, उसमें भी हमने मुद्दा उठाया था। हम लोग को भी यहाँ पे आज बैठना पड़ा, अपने सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पे पानी ना रहे। श्रद्धालु पतित पावनी गंगा नदी से गंगाजल लेकर जल भरकर बरारी सीढ़ी घाट से गोडा धनकुंड बासुकीनाथ गोनू धाम के साथ साथ कई शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे नगर निगम की उदासीनता आपको साफ तौर पर सामने देखने को मिलेगी। पतित पावनी गंगा नदी में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद मंत्र उच्चारण के बाद जल भरते हैं और गोडा धनकुंड बासुकीनाथ गोनू धाम जैसे तीर्थ स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी दुख की बात यह है कि उन श्रद्धालुओं को गंदे गटर वाले नाली के पानी से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी श्रद्धा काफी धूमिल हो रही है। इस पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन। अब सवाल ये उठता है कि धर्म की पवित्रता पर लगाम लगाने को लेकर ये खिलवाड़ आखिर कब तक बंद होगा? ऐसी कुव्यवस्था को देखकर दूर दूर से आए श्रद्धालु काफी दुखी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन थोड़ा भी ध्यान दे दे तो जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हमारे इस रिपोर्ट को भी देखिए। आज ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग निगम पार्षद है, हम हैं, टिंकल है जो 36 नंबर से पार्षद हैं, हम लोग को भी यहाँ पे आज बैठना पड़ा अपने पूरे निगम प्रशासन के अपोजिशन में। कल भी निगम की सामान्य बोध की बैठक थी, उसमें भी हमने मुद्दा उठाया था, प्रमुखता से ये मुद्दा रखा था कि ये कांवरिया पथ है, इस कांवरिया पथ को सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पे पानी ना रहे। बारिश का दिन है, बारिश तो होगी ही, लेकिन यहाँ पे कम से कम 7 से 8 की संख्या में गैंग रहे जो कि पानी को लगातार निकाला जाए। हमारा निगम प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन भी मिला था यहाँ गैंग मिलेगा, लेकिन यहाँ व्यवस्था नगण्य है। यहाँ सिर्फ लूट और खसोट है। ब्लीचिंग पाउडर और चूना के जगह पे लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाउडर का डस्ट दिया जा रहा है। आदित्य जसवाल जब से यहाँ पे बने हैं स्वास्थ्य शाखा पड़वारी, तब से जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ दिखावटी काम हो रहा है। आपके सामने धरातल पे है क्या गैंग का और क्या लेबर काम किया। पूरे 51 वार्ड में सब जगह गैंग लगा, हमारे 50 नंबर वार्ड में गैंग नहीं लगा। कहाँ कहाँ नाली ओढ़ाई कराई, इसकी कोई भी समुचित व्यवस्था, इसका कोच भी प्रकलन किसी पार्षद को पता नहीं है। ऐसा क्यों? आगे यहाँ पे हम लोग जब तक इसको क्लियर नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामूहिक रूप से इस पे हम लोग विचार करेंगे। सारे पार्षद इस पे सामूहिक रूप से इस्तीफा ज्ञापन हम लोग DM को सौंपेंगे, दे देंगे। जब निगम सरकार हम लोग की कुछ नहीं सुन रही है तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, नीतीश कुमार जैसे भ्रष्टाचारी लोग यहाँ गद्दी पे बैठे हुए हैं, उन्हीं की सरकार है, सारा विभाग उन्हीं का तंत्र मंत्र से चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को आशा है कि आज के बाद ऐसा कुछ भी सुझाव पार्षदों से लिया जाए, पार्षद से कुछ भी सुझाव नहीं लिया जाता है। पंकज कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 50।